हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड पेरेंट्स, आज का टॉपिक है राइम्स। नाउ डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आपने कौन सी राइम करानी है और कौन सी राइम नहीं करानी है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि राइम्स या सिर्फ गाने के लिए होती हैं या बच्चों को छलकूद करने के लिए होती हैं। नो, राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अर्ली लर्निंग स्टेज पे, जो कि बच्चों की प्री क्लास होती है, प्री स्कूल एंड प्री प्राइमरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और जब बच्चे क्लासेस में गए हैं, स्टडीज कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो असेसमेंट भी होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब राइम असेसमेंट्स होती हैं तो कुछ बच्चों को ए प्लस ए मिलता है, कुछ बच्चों को बी मिलता है, कुछ बच्चों को सी मिलता है। सब बच्चे सिंग कर रहे हैं, सब बच्चे अच्छे से बोलते हैं, तो ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जो ये ग्रेड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बच्चों को राइम असेसमेंट में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है राइम सिखाने का, जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक बड़े ही प्लेफुल और इंगेजिंग वे में सुनते हैं, पहचान करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं साउंड्स के साथ। साउंड्स कौन से? लैंग्वेज के साउंड, जो ये एक नए नए चीजें वो सीख रहे हैं, नए नए शब्द सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं, उनको सुन के पहचानते हैं, उन्हें लर्न करने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं और जगह यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होती है राइम्स की, क्योंकि बच्चे नए नए वर्ड्स और नए नए साउंड सीखते हैं। सेकेंडली, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बच्चे नए नए वर्ड सुनते हैं, जैसे कि उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि मैथ कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट है, मोर एंड लेस का है, कुछ वेट का कॉन्सेप्ट है, नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, कई बार काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आगे चल के उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टाइप के जो उनके लेटर मैथ स्किल्स हैं उसमें बहुत यूजफुल होते हैं। तो उसके नंबर सीक्वेंस टाइप की जो राइम्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है नंबर्स लर्न करने के लिए। लाइक आई सजेस्ट कि आप जस्ट चेक आउट दिस वन। से हेलो टू एवरीवन। हेलो एवरीवन। ओके ओके, नाउ व्हिच राइम आर गोइंग टू सिंग नाउ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
एक प्लेफुल वे में किस तरह से काउंटिंग आप लर्न करा सकते हैं। कई बार बच्चों को काउंटिंग सीक्वेंस लर्न करने में काफी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई ऑलवेज से सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो कुछ बच्चों को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम। तो वी शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग, पता नहीं किस बच्चे के साथ कौन सा तरीका काम कर जाए कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए। तो ये हो गई दूसरी चीज के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट वर्ड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। थर्ड थिंग, राइम्स के थ्रू बच्चे लगातार डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स के साथ, कहीं पे उन्हें कोई वर्ड है तो वहां पे ज्यादा जोर से बोलना है, कहीं धीरे बोलना है, कहीं एक्सप्रेशन दिखा रहा है, कहीं डर दिखा रहा है, तो बच्चे बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम्स एंड पिच किस तरह से अपनी मैनिपुलेट करनी है, कंट्रोल करनी है, एक्सप्रेशन सीखते हैं बहुत सारे। तो इन अ वे वो अपने आप को उनकी जो एक्सप्रेशन निकल आते हैं बहुत एक्सप्रेसिव बनाती है। राइम जो रेसिटेशन होती है बच्चे को बहुत एक्सप्रेसिव बनाती है। कोई डर वाली राइम है, कोई हमारी बेबी वाली राइम है, लाइक आई सजेस्ट कि आप ये वाला सॉन्ग सुनिए जो मैंने अपने बेटे के साथ शूट किया है। आप लिसन टू दिस एंड आई विल कम बैक। से हेलो टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय मॉम इज क्यूट। थैंक यू। ओके, नाउ व्हिच इज सॉन्ग यू आर गोइंग टू सिंग? बेबी बेबी बलूआ सॉन्ग। शैल वी स्टार्ट? यस। रेडी, 1 2 स्टार्ट। ओके। बेबी बलूआ गोइंग टू सी, स्विम सो वाइल्ड एंड स्विम सो फ्री, heaven above and the sea below, and the pretty white veil on the go. Baby beluga, oh baby beluga, is your mama home? Is your mama home? Is the water home? Is the water home? Is your mama home? Is the mama home? With you so happy, way down yonder play the dolphins. Way down in the dolphins here. Where you die? Where you die? And splash only. Where you die? And splash only. Sing a little song. Sing for all your friends. Like to hear you, baby beluga in the deep blue sea.
swim so wild and swim so deep. Heaven above and the sea below, and the little white whale on top. Mom, can you start again? No, it's done now. Baby beluga, oh baby beluga. Okay, fourth point is, बच्चे क्योंकि रिपीटेडली उन राइम्स को दोबारा दोबारा बोलते हैं, रिपीटेडली अपने क्लासेस में घर पे बोलते हैं, तो बच्चों को एक लर्निंग, बार बार बोलने से एक कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, नए नए वर्ड सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं, बिकॉज एक वो फन वे में बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि राइम्स किसी हर सब चीज पे होती है, शेप्स पे होती है, एनिमल्स पे होती है, फ्रूट्स पे होती है, वेजिटेबल्स पे होती है, सब पे होती है, तो बच्चे बहुत इजीली लर्न कर पाते हैं. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज, ओके लास्ट पॉइंट इज, बच्चों को ना एक बच्चे को इमेजिनेशन को एक बहुत ज्यादा बड़ा एक ग्राउंड मिलता है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी सीक्वेंस चलता है कि अब ऐसा हुआ है तो अब कैसे और नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और कई बार वो अपनी इमेजिनेशन उसके आगे भी जोड़ लेते हैं कि यहाँ पे ये राइम खत्म हो रही है तो उसके आगे भी कुछ हो सकता है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम बच्चों को इनकरेज करें राइम रेसिटेशन के लिए. नाउ ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात कि किस तरह से राइम्स बच्चों को लर्निंग में हेल्प करती है. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ राइम्स मिलता है हर क्वार्टर, मतलब जो भी हमारा एक ड्यूरेशन है हमारा सिलेबस का, उसमें 4 या 5 राइम्स है, वो अपने अपने बच्चों को प्रिपेयर करानी है असेसमेंट के लिए. तो आप वो किस तरह प्रिपेयर कराएं ताकि बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए एंड ऑब्वियसली उसको ग्रेड मिले. ग्रेड्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट. तो लेट्स आई विल टेल यू कि आपने कैसे करा सकते. सो राइम्स इम्पॉर्टेंस क्या, इम्पॉर्टेंट क्यों है ये तो हमने सुन लिया. अब लेकिन एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हमारा रोल क्या है उस राइम रेसिटेशन के अंदर. तो हमारा रोल क्या आता है कि हमने एक तो बच्चों को वो सिंग करके एक बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में सिंग करना है हमने बच्चों के साथ, बच्चों के सामने. जब भी हम राइम रेसिटेट करते हैं हम एज अ टीचर ट्राई करते हैं कि इट शुड बी फन, बहुत बच्चे इंजॉय करें. हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन डालने की कोशिश करते हैं, जानवर की आवाज है तो वो निकालने की कोशिश करेंगे एनिमल्स राइम में, बहुत उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट बच्चे खुद फोर्स करते हैं कि वो खुद खड़े होके हमारे साथ रिसाइट कर पाए, उनको इतना अच्छा लगे सुन के. तो एक तो हमारा मेन पर्पस है कि हमने बहुत इंगेजिंग बनानी है, प्लेफुल बनानी है राइम बच्चों के लिए. सेकेंडली हमने ट्राई करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स यूज करें, कोई पपेट यूज कर लें, स्टिक पपेट यूज कर लें, या कुछ भी, जैसे एक क्रो स्टोरी, थर्स्टी क्रो का पोएम है तो उसके अंदर हम एक क्रो पपेट यूज कर लेंगे, एक पॉट यूज कर लेंगे, तो उससे वो एक बिल्कुल स्टोरी की तरह चलेगी राइम, तो बच्चों को लर्न करने में भी होगी इजी और नई चीजें नए वर्ड्स भी सीखने में आसानी होगी कि थर्स्टी क्विंच बाय इट्स थर्स्ट. तो एज आई टोल्ड यू लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम विद प्रॉप्स हम उनको हेल्प कर सकते हैं. थर्डली जो नॉर्मली पेरेंट्स यूज करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि जो हमारा मोबाइल है हम इस पे प्ले कर दें तो ये आराम से सीख हो जाता है, ऐसा नहीं है. प्ले हाँ टीचर्स भी करते हैं वीडियो, बिकॉज वीडियो से एक बच्चों को रिदम की और एक पिक्चराइजेशन और अच्छी मिल जाती है. इट इज अगेन वन ऑफ द टीचिंग एड, बट मेन नहीं है कि हमने रोज बच्चों को चला के दे दी और बच्चे उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको इजिली लर्न हो जाएगी, वो इजिली डिसाइड कर पाएंगे. नो, ऐसा नहीं होता. बच्चे जब तक खुद खड़े होकर रिसाइट नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं करेंगे, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे. लाइक चेक आउट दिस वन. ओके नाउ वी ट्राई हियर बाय द सेम हेड शोल्डर नीज एंड टोज. ओके रेडी स्टार्ट. यस रेडी रेडी गो गो हेड 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 शोल्डर नीज एंड टोज नीज एंड टोज head shoulder shoulder knees and knees and toes knees and toes eyes and ears and eyes and ears and nose head shoulder knees and toes knees and toes march 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 let us all march 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 get your body charged. तो आपने देखा कि इसके अंदर किस तरह से मैं खुद खड़े होकर बच्चे के साथ एक्शंस कर रही हूँ जहां पे हमें फिजिकली करने हैं एक्शंस, तो बच्चों के साथ इंगेज हुई है एज अ पेरेंट्स भी. स्कूल में वो जिस तरह कर रहे हैं आप भी कीजिए उसी तरह से उनके साथ.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि असेसमेंट जब होती है राइम की, वहां पे टीचर क्या देखती है जो वो ग्रेड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. नाउ आई हियर आई विल से कि मैम मैं ग्रेड्स के लिए आपको ये नहीं बता रही हूँ, बट आई वॉन्ट आई नो कि एवरी चाइल्ड कैन परफॉर्म. तो ये मेरे जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो इसलिए है कि आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं टू परफॉर्म बेटर. नाउ अगर आपको लग रहा है कि कल असेसमेंट है और आज आप बैठ जाएंगे, चलो बेटा भालू दादा लर्न कर लेते हैं, अब आपने चार पांच बार छह बार बच्चे को रिसाइट करवाए, नो. बच्चों को एक दिन में कभी भी राइम ऐसे लर्न नहीं होती है. जो भी उनकी स्कूल की सेट राइम्स आपको मिली हुई है वो आप डेली उनके साथ रिसाइट कीजिए. एंड इट्स नॉट लाइक आप बैठ गए, बच्चा खड़ा है, बैठे बैठे हम उसको एक्शन करके दिखा रहे हैं, ऐसे करो. नो, प्रॉपरली खड़े होके बिल्कुल एक्शंस करने हैं, उसको एंजॉय करना है और बिल्कुल उसको डांस करके रिसाइट करना है. ऐसे ऐसे लगना चाहिए कि हम भी बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं, तभी आपके बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. वो अगर क्लास में नहीं कर पा रहा है कुछ, और एक्शंस बहुत जरूरी होते हैं. जितना आप वाइड एक्शंस हम एज अ टीचर और पेरेंट्स करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों के इतने एक्शंस आएंगे. जितने ज्यादा बिग एक्शंस हम देंगे विद हैंड्स एंड विद आईज एंड जितना ज्यादा एक्सप्रेशंस हम देंगे, उतने ही उससे हाफ आता है बच्चों के मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, लाउड विद आवर वर्ड्स, एंड क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे प्रोनंसिएशन में. जब हम राइम्स बच्चों को करा रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को क्लियरली हमने प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को, और इसको हमने एक्शंस के साथ डेली करना है. डेली अगर आप चाहते हैं कि वो एक जो असेसमेंट में जो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होती है वो यही होता है कि अचानक से आता है कि जी आपके कल बच्चे के राइम असेसमेंट है, ओह राइम असेसमेंट है, जल्दी 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 बैठ के हमने उसको सुना भी दिया मोबाइल पे और पांच फाइव टाइम सिक्स टाइम रिपीट करा दी. नो, डेली आपने विद एक्शन बच्चे के साथ वंस और ट्वाइस कराना है, बस दैट्स इट. आपको असेसमेंट के टाइम पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चा अपने आप कर देगा. नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंग फॉर योर किड्स. मैं मतलब मेरा बच्चा बेटा कुछ मंथ्स का था तब से मैं उसके लिए राइम्स और सॉन्ग्स मैं उसके लिए सिंग करती हूँ, एज अ लोरी आप कह लो या वट एवर, मैं उसके लिए रेगुलर सिंग करती हूँ. और अगर वो वीडियो में मोबाइल में कोई नई राइम सुन रहा है, कोई नया ऐसा इंटरेस्टिंग राइम है जो उसको अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लर्न है, मैं उसे स्पेशली लर्न करती हूँ. और जब उसको कोई क्लोथ चेंज कराते हुए या बेड टाइम के लिए रेडी करते हुए या अगर वो सिंग कर रहा है अपना प्ले करते हुए, तो मैं उसको ज्वाइन करती हूँ उसके उसके साथ, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो सरप्राइज हो जाता है, अच्छा मम्मा को भी ये राइम आती है, मम्मा मेरे साथ सिंग कर रही है. तो आई यूज टू सिंग. तो प्लीज सिंग फॉर योर चाइल्ड जब भी मौका मिले, कार में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, मील से पहले, मील के बाद, हैंड वॉश राइम होती है. राइम जैसे मैंने बोला आपको हर टॉपिक पे राइम मिल जाएगी, तो हैंड वॉश राइम्स है, बहुत सारी राइम है. कोई वेजिटेबल बच्चे ईट नहीं कर रहे तो वेजिटेबल राइम्स के साथ आप उनको ईट करा सकते हैं. तो यू कैन सिंग राइम्स एनी टाइम फॉर योर किड्स, एंड बिलीव मी जब पेरेंट्स उनके लिए सिंग करते हैं इट मेक्स अ डिफरेंट. और जब वो अगेन एंड अगेन उसको सुनते हैं इट हेल्प देम टू परफॉर्म बेटर. सो रेगुलर ड्रिलिंग आपने करनी है और आपने खुद भी सिंग करना है विदाउट हेसिटेशन कि मुझे अच्छा संगीत है, मैं भी बहुत बुरी सिंगर हूँ लेकिन मैं फिर भी सिंग करती हूँ. स्कूल में भी बच्चों के लिए करती थी और घर पे भी अपने बेटे के लिए मैं रेगुलर करती हूँ. इवन नाउ ऑल्सो जैसे मैंने बेबी बलू का सॉन्ग आपको सुनाया, वो मैं ही इज जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड, जब से मैं उसके लिए वो गा रही हूँ नाउ ही स्टार्टेड लर्निंग. तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स और राइम्स मैंने लर्न स्पेशली करी है. वन ऑफ माई फेवरेट इज कोकोमेलन. मतलब मेरा कोई लिंक नहीं है या मैं कोई आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन और नथिंग, बट कोकोमेलन इज वन ऑफ माय फेवरेट. मैं अपने रिसोर्सेज जो मुझे अच्छे लगते हैं जो मैं टीचिंग में और अपने बेटे के लिए यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. तो कोकोमेलन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. राइम्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उसके बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट, रिदम्स, एवरीथिंग इज गुड. एक उनका पॉटी सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इट रियली हेल्प मी टू ट्रेन माहिर फॉर द वॉशरूम एंड ऑल. इट्स अ वेरी गुड राइम, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. And this is all I have to say. But अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परफॉर्म करे, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रेसिटेशन विद एक्शन, आपको खड़े होना पड़ेगा, अपने बच्चे के साथ सिंग करना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा डांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका बच्चा बनना पड़ेगा. ट्रस्ट मी एज अ टीचर एंड एज अ मदर, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने दोनों रोल्स में करा है, इट्स रियली बेनिफिशियल. So if you like the video, like it and share it, and I'll meet you again with some new concepts and activities. Till then, bye, take care. Stay safe, stay home.